मांडा का किला और वीपी सिंह की विरासत। वीपी सिंह हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये उनका महल है जो कि मैं आपके ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो इस जगह पहुंचने के लिए आपको प्रयागराज में मांडा चौराहे पे आना पड़ेगा और उसके बाद आप तिलबिला चौराहे पे आइएगा। तिलबिला चौराहे से आप माड़ा जो होता है माड़ा थाना, वहां जाने वाला रास्ता पूछेगा और निकल लीजिएगा। और अगर आपको ना समझ में आए तो आप मांडा किला, माड़ा किला या तो मांडा के राजा का किला भी वहां पे पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे बड़े भैया विपुल पांडे भैया जी हैं। ऐसे निकाल ली? हाँ ऐसे चल। और रास्ते में हम अपने दो मित्रों को रिसीव करते हुए सीधे राजा के किला पे पहुंचेंगे। तो आइए मैं आपको प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में और उनके मांडा किला के बारे में कुछ कहानी बताता हूँ। भारतीय राजनीति में वीपी सिंह के योगदान को पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है। सच कहें तो उनके उल्लेख कविता और राजनीतिक कार्यों का अध्ययन और शिक्षण स्कूलों को और कॉलेजों में होना चाहिए था। उनके बारे में बहुत सी कम किताबें हैं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक जीवनों में वीपी सिंह और उनके अप्रतिम योगदान को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दलों के लिए कैसे संभव है? जहां आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय राजनीतिक दलों का अहम नारा बनाने जा रहा है, क्या वे उस व्यक्ति के लिए नहीं जागेंगे और बोलेंगे जिसने अपने बच्चों और परिवार को राजनीति में नहीं थोपा है? क्या मांडा किला को वीपी सिंह और सामाजिक रूप और मानवता के आशीर्वाद की स्मारक के रूप में नहीं विकसित किया जा सकता है? पीछे से ही गा जहाँ गुफा बटे। अब किधर गुरु? अब ऐसे ही घूम गए। हाँ दही नहीं चले, दही नहीं चले, लेकिन गाड़ी ना जा पाए। गेट खुल जाएगा पूरा, ये वाला भी खोल दे दो, खोल दो, खुल जाना भैया। ये काम एक नंबर हुई है तब का, मैं भी जा रहा हूँ। और हमारे साथ हमारे सूरज गुरु जी और छिपी गुरु जी हैं। खोल दो बिट्टी, नहीं खुलता। तब गुरु जी अपना घर छोड़ के आप वहां चले गए बताइए। खतरनाक लगत है यार। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दिल जो ले सके उधार, जीना इसी का नाम है। अरे मस्त लगा था, वीडियो डाल रहे हैं लगाए रहे। ये बड़ा गहरा भयारी, यार जो राजा हैं इतना गहराई चारों तरफ से बनवाए हैं, इसलिए कोई यहाँ पे जल्दी कब्जा न कर पाए। पूरा पानी भरवाइए, मनिया की बड़ी हड्डी बटे वो जो दूर दिख रहा है वह एक मंदिर है। यहाँ पे राम लक्ष्मण और हनुमान जी का यह एक मंदिर है जो कि किला के अंदर है।
तो फाइनली हम लोग किला के अंदर आ चुके हैं और किला के अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। अच्छे से बने रहिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पता नहीं कुछ भी हो सकता है, जैसे क्यों मगर मच के कंकाल का निरीक्षण करने आए हमारे सूरज गुरुजी से पूछा जाए कि क्या आपको पता चला। क्लियर नहीं पता चला है। चंदन कपेट, चंदन कपेट है उपास, गदा गदा राम उपास होते हैं, चंदन कपेट है राजा उपास, गदा राम उपास। सभागृह अबे आदमी सोच रहे दिक्कत है कितनी बड़े बाबू। दिखाई वाली चीज दिखाई, चला अभी तेरी चला अंदर सोने को दिखाई। अब आ गया जय, अरे अब बहुत रहे अब बड़ी मजा है, नहीं बहुत अंदर वाला हाथ पकड़ पकड़ चला जा, मतलब ज्यादा अंदर मत। अब रखे और इधर आओ, अब देखा यहां के बाद जावे तो भूतन मिल जावे। गुरु की खड़ा जाम सब चला ना, गुरु की खड़ा पागल हो गया बिना तैरे को पिसाने क्यों नहीं गया, देखा थोड़ा तो अंदर चला जाना बटन गया चला चला
चला जाए आग रुका का था क्या कह रहे हैं आप फोटो भेज दीजिए भैया क्या फोटो क्या करेंगे आप बताइए पर इंस्टाग्राम ऐसे पड़ा है एक डेढ़ महीने हो गया फोटो और पैसा दो चीज मिलना बहुत मुश्किल है अकल जी खड़ा पैसों ले गया अकल जी अब कैसा लगा था धन्यवाद चा अच्छा वाह क्या चला यार 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 बाय बाय फोटो वोटो ग्रूम हो माया है फोटो वोटो नहीं लेना चाहिए अरे वो बल्टी उल्टी बल्टिया टाई दे यार मैच खेलने वाले अरे अयो वो डूब गया अरे उसे हटा दो बाल्टी को सीधे सीधे चल रहा है माला वही के लाही इसमें जरा भी मिस्टेक नहीं करते हुए क्योंकि ये ब्लॉग आज अपलोड होगा या कल भैया देख के ना गुरु करी तो 10,000 व्यूज जा था आपका लेवल और कुरकुरे खाते हुए हासी मामला हम लोग यहीं खड़ा रहे ना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वीडियो मेरा अपाचे आरटीआर को साइड में लेते हुए चाचा जी जाते हुए यही मगरमच्छ भाग गया था यहाँ से अच्छा यही मगरमच्छ यही मगरमच्छ अच्छा गाल जी सलाह लेकर रहा है उधर आगे कर आराम से हमसे क्या मतलब भाई अगर मगरमच्छ हो या ना हो जिंदा तो था नहीं तो फोटो ना का लाइव फोटो डाल भेजा पहले तू ब्लॉक के चक्कर में पड़ा भाई फोटो मांगते हुए हमारे प्रिय मित्र जिनको पता है फोटो अब 2-4 महीने बाद ही आएगा सीधा इंस्टाग्राम पे